हेलो दोस्तों, कार्यालय कलेक्टर जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है 22 मार्च 2023 को, जिसमें काउंसलर्स इम्पैनल हेतु यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण रायपुर के अंतर्गत यहाँ पर जो नारायणपुर जिले में जो सेल की स्थापना काउंसलिंग सेल की स्थापना किया गया है, जिसके लिए यहाँ पर 2 काउंसलर्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए यहाँ पर जो भी इसके लिए इच्छुक हैं और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता मांगा गया है, वो पूरा करेंगे तो 12 अप्रैल 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन करने होंगे, जो कि पता आप करेगा कार्यालय जिला परियोजना लवलीहुड कॉलेज नारायणपुर एजुकेशन हब गरांजी, इस पते पर आपको आवेदन करने होंगे। अब इस पर बात कर लेते हैं, आपका वेतन जो संविदा के रूप में रहेगा, अधिकतम मान जो है आपका 750 रुपये प्रति काउंसलिंग के लिए आपको दिया जाएगा। इस प्रकार से 1 महीने में 20 काउंसलिंग, इस प्रकार से आपका वेतन देखा जाए महीने का तो आपका 15,000 के आसपास यहाँ पर आपको पर मंथ आपको वेतन बनने वाला है, ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन योग्यता है, किसी भी विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में यहाँ पर एमए आपका मनोविज्ञान या फिर समाजशास्त्र में, या फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू कंप्लीट होना चाहिए, या फिर अपने एमबीए कंप्लीट किए होंगे तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके लिए जो नियम शर्तें हैं, इसके लिए काउंसलिंग सेल के संचालन हेतु जो कि लवलीहुड कॉलेज नारायणपुर में यहाँ पर आवश्यकता 2 काउंसलर का है, तो 2 प्रक्रिया के चयन प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर 2 काउंसलर को इम्पैनल्स के लिए चयनित किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जाति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने होंगे। आयु सीमा की बात किया जाए तो 1 जनवरी 2023 तक कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, जिसका आपको प्रमाणीकरण आपको 10वीं के अंक सूची के आधार पर करने होंगे, ठीक है। और आवेदन पत्र इसके अंतिम पीडीएफ के अंतिम में दिया है, जिसे अच्छे से भर के आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं दिए गए पते पर, ठीक है। और बाकी इसमें जो है जो भी इम्पोर्टेंट दिया गया है वो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। चयन प्रक्रिया का जो 100 अंक इस प्रकार से बनेगा, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता का जो है स्नातक का 20%, पीजी कोर्स का 20%, ठीक है। और काउंसलिंग से संबंधित यहाँ पर अनुभव का, यहाँ पर 5 वर्ष के अनुभव के लिए आपको अंक दिया जाएगा, 3 वर्ष के अनुभव के लिए ये दिया गया है। इस उसके बाद इंटरव्यू का यहाँ पर 10 अंक रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों को मिलाकर यहाँ पर 100 अंक यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं आवेदन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही नए जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।